नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जोधपुर एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एडीबीएस कोर्ट के कनिष्ठ सहायक प्रमोद कुमार जैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रमोद कुमार जैन कोर्ट में फाइल जल्दी पुट अप करने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। एसीबी के मनीष वैष्णव ने बताया कि परिवादी एडवोकेट रत्नाराम ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मतोड़ा थाने में एक प्रकरण में आरोपी ओम प्रकाश की जमानत के लिए मूल पत्रावली एनडीपीएस कोर्ट में पेश की जानी थी। पत्रावली को कोर्ट में पेश करने की एवज में प्रमोद कुमार जैन ने 3,000 रुपए की राशि मांग की थी। सत्यापन के दौरान परिवादी ने 1,000 रुपए ले लिए, जबकि 2,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने उसे दबोच लिया। पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक भयानक हादसा हो गया, जिसके बाद करीब 20 लोगों के जान माल की हानि हो गई। खबर है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक मांगलिक कार्य से लौट रहा तिपहिया वाहन एक नहर में गिर गया, जिससे उसमें सवार लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे, जब यह हादसा हुआ है। इस घटना की जानकारी बचाव दल के अधिकारियों ने दी है। हादसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि नहर में 20 शवों को निकाला गया, जबकि 3 लोग जीवित निकाले गए हैं। राज्य में मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश के जयपुर और बीकानेर संभाग में 15 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के अगले 2 दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 15 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू और पश्चिम राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है तथा बादल बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ बना है, जो कि 13 नवंबर से पश्चिम हिमालय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अलवर जिले के निमराना थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर करोड़ों रुपए के जेवरात लूटने के मामले में पुलिस ने बताया कि कोरियर बॉय प्रमोद सैनी निवासी बग्गड़ से करीब 2.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात लूट लिए गए। पुलिस ने बताया कि प्रमोद सैनी अजमेर आगार की बस से करोल बाग से 10 बजे बैठा था। जिस कार में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, वो कार महाराष्ट्र नंबर की थी। रोडवेज बस में 2 संदिग्ध युवक भी कोरियर डिलीवरी बॉय के साथ दिल्ली से बैठे थे। पुलिस पीड़ित प्रमोद सैनी को लेकर घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने बताया कि करीब 37 पैकेटों में 4 किलो सोने के आभूषण बताए जा रहे हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने 40 सेकंड का पीड़ित का वीडियो भी बनाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक ने जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश दिए हैं कि सभी अपने क्षेत्रों में ट्रक ड्राइवरों की आंखों की जांच कराएं। जिले भर में रैंडम तरीके से ट्रक चालकों की आंखों की जांच कर यह पता लगाया जाए कि उनकी देखने की क्षमता कमजोर तो नहीं है। ऐसे चालकों को चिन्हित करके संबंधित क्षेत्र के परिवहन अधिकारियों को भी सूचित किया जाए। इसके पीछे चिकित्सा विभाग सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का उद्देश्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी मीना ने बताया कि असल में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उद्देश्य से विभाग का यह प्रयास है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत आदेश जारी कर दुकानदारों पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचने तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करने पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उप निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारी, नगरीय निकाय के राजस्व निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त विकास अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचता है तो 10,000 रुपए तथा कोई व्यक्ति किसी भी तरह की आतिशबाजी का इस्तेमाल करता है तो 2,000 रुपए जुर्माने से दंडित करने हेतु अधिकृत किया गया है। LLB फाइनल का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में लवीना मोदी ने फाइनल में 78.3% अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही 72.4% अंकों के साथ LLB उत्तीर्ण की है। संभवतः लवीना मोदी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की टॉपर्स में से एक है। लवीना रामपुरिया विधि महाविद्यालय की टॉपर है। पिता प्रकाशन मोदी भी फैमिली कोर्ट में तैनात हैं।
झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से बस के डिग्गी से नकली कलाकंद ढूंढ निकाली। पुलिस ने सीकर से पिलानी जा रहा कलाकंद और सोन पापड़ी को जब्त कर लिया है। यह संदिग्ध नकली मिठाई एक बस से ले जाई जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश चौधरी ने इसके सैंपल लिए। संदिग्ध लगने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब एक क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई। पहले बस में विभाग की टीम ने नकली मिठाई ढूंढी लेकिन उन्हें बस में कुछ नहीं मिला। इसके बाद डॉग स्क्वाड ने नकली कलाकंद ढूंढ लिया। बारां जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद को लेकर देवर भाभी का झगड़ा हो गया। झगड़े में देवर ने भाभी का सिर फोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह झगड़ा थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा गांव में हुआ। परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर जिले के पुष्कर में एक विदेशी महिला को नशा करना महंगा पड़ गया। नशे की हालत में विदेशी युवती रोड पर गिर गई। सूचना पर पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और विदेशी महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि पुष्कर की बड़ी बस्ती शमशान घाट के पास यह घटना हुई। महिला के पास से नशे की सामग्री मिली है। महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल नशे के चलते विदेशी महिला से पूछताछ नहीं हो पाई है। चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट होने की जानकारी सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि गांव से आरोपियों ने पीड़ित महिला को जबरदस्ती कार में बैठा लिया और मंगलसूत्र कान के आभूषण लूट लिए। यह लूट की वारदात बोबासर प्याऊ के पास हुई। आरोपियों ने महिला के साथ लूटपाट कर महिला को छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही नाकाबंदी करवाई गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।